नमो नमः। राज माता बधाई हो, आपकी दूसरी पुत्र वधु के पांव भी भारी हो गए हैं। राजवैद्य, दूसरी नहीं प्रथम एवं ज्येष्ठ पुत्र वधु।
आज अभिमन्यु से जब उनके गुरु ने कहा कि अपना परिचय दो, तो अभिमन्यु कहने लगा, पिता अर्जुन, मामा कृष्ण एवं माता कृष्णा।
अभिनंदन अभिनंदन राजन ध्रुपद राजरानी बुआ एवं धर्मराज आप सभी को बधाई हो एवं समस्त इंद्रप्रस्थ को भी बधाई। आपको भी बधाई श्री कृष्ण। धन्यवाद राजन। उत्सव मंगल का क्षण है। पूर्वजों के आशीर्वाद एवं प्रभु की कृपा से द्रौपदी को 5 पुत्र प्राप्त हुए हैं। पांच पतियों से 5 पुत्र अर्थात द्रौपदी के 5 पति एवं 5 पुत्र। एवं 5 पुत्रों के नाम भी कितने उत्तम हैं। आज अभिमन्यु से जब उनके गुरु ने कहा कि अपना परिचय दो तो अभिमन्यु कहने लगा, पिता अर्जुन, मामा कृष्ण एवं माता कृष्णा। प्राप्त विद्य। स्वात सोम श्रुत कर्मा शतानिक श्रुतासन बधाई हो। वासुदेव कितनी बार बधाई देंगे। अब शीघ्र चले, अभिमन्यु का विद्या आरंभ उत्सव आरंभ हो रहा है। वहां सुभद्रा विचलित हो रही होगी। यस्यागस्त्यायते नाम
विघ्न सागर शोषणे ओम गणाधिपतये नमः। सुरासुरेन्द्रैः सिद्धेन्द्रैः स्तुतं स्तौमि परात्परम् सुरपदुमदिनेशं च गणेशं मङ्गलायनम् ॐ गणाधिपतये नमः। ॐ गणाधिपतये नमः। ॐ गणाधिपतये नमः। कृष्णा, पुनः मातृत्व के लिए बधाई। वासुदेव, कितनी बार बधाई देंगे? बार बार, बार बार बधाई दूंगा। तुम्हें 5 पुत्र प्राप्त विद्य स्वात्सोम श्रुतकर्मा शतानिक एवं श्रुतासन जो प्राप्त हुए हैं, और हम बधाई भी ना दें? 5 नहीं वासुदेव, 6। अभिमन्यु भी तो हमारा पुत्र है वासुदेव। सत्य कहा तुमने। आज अभिमन्यु से जब उनके गुरु ने कहा कि अपना परिचय दो, तो अभिमन्यु कहने लगा, पिता अर्जुन, मामा कृष्ण एवं माता कृष्णा। बेचारी हमारी लाडली बहन सुभद्रा का तो कहीं नाम ही नहीं था। सुभद्रा हमारी बहन है वासुदेव, बहन का पुत्र हमारा भी तो पुत्र हुआ। कृष्णा, तुम्हारा हृदय बृहत है, ईश्वर का आशीष सदैव तुम पर बना रहे। दूधो नहाओ पूतो फलो। वासुदेव, अभी तो हमारे बालक शिशु अवस्था में है और आप हमारे पोते पोतियों पे चले गए। कृष्णा, तुम अपने सभी पुत्रों के विद्या आरंभ उत्सव अलग अलग रखना, ताकि हमें 5 बार इंद्रप्रस्थ आने का अवसर प्राप्त हो सके। कृष्णा, बच्चों से घर ऐसा भर गया है कि द्वारका लौटने का मन ही नहीं करता, एवं हमें प्रतिदिन भैया बलराम को एक नए बहाने का संदेश भेजना पड़ता है। ये घर परिवार आपका भी तो है वासुदेव। सत्य कहा तुमने।
पिताश्री। धर्मराज के स्वप्न में आप सबके पिताश्री आए थे। नारद देव, इस बार किसका संदेश लेकर आए हैं? आपके पति पांडु का। उन्होंने आपसे कहा है कि उनकी इच्छा है कि आप दोनों का ज्येष्ठ पुत्र अर्थात युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बने।